हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल योर पर्सनल कंसल्टेंट में। दोस्तों, यूपी बोर्ड एग्जाम 2018 की बात करें तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं एग्जाम स्टार्ट के होने को, क्लास 10 क्लास 12 का। और एडमिट कार्ड की कुछ कमेंट आ रहे हैं कि उनके एडमिट कार्ड में करेक्शन है, माँ का नाम, पिता का नाम या जन्मतिथि में, तो वो कैसे सही करा सकते हैं। तो कोई ये प्रोसेस दिया नहीं है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी आपको प्रोसेस नहीं मिलेगा कि कैसे सही करा सकते हैं। सिर्फ एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी न्यूज़पेपर में, उसकी कटिंग मिल नहीं रही है मुझे जो आपको दिखा सकूं मैं अभी। लेकिन मैं न्यूज़ आपको बता दूं कि आपके अगर एडमिट कार्ड में करप्शन आ गया है, माँ का नाम, पिता का नाम या जन्मतिथि, तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से सही करवा सकते हैं। ठीक है, अगर बिलफर्ज मान लीजिए कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल से सही नहीं हो पाता, आपका एडमिट कार्ड वही करेक्शन गलत वाला रह गया, तो आप आईडी कार्ड जरूर लेके जाइएगा एग्जाम सेंटर। जब एग्जाम देने जाइएगा, एडमिट कार्ड के साथ आईडी कार्ड जरूर रख लीजिएगा, चाहे आधार कार्ड रख लीजिएगा, जो भी आईडी हो आपके पास जिसमें आपके माँ का नाम, पिता का नाम और आपका नाम, जन्मतिथि सब पूरी सही से डिटेल्स हो, वो साथ में जरूर रख लीजिएगा। दूसरी बात, जिनके एडमिट कार्ड में फोटोज, जिनके स्कूल में हार्ड कॉपी भेजी गई है एडमिट कार्ड की स्कूल्स में, या प्रिंट आउट निकाल के दिया गया हुआ है उनके स्कूल से और उसमें फोटो आपकी नहीं आई है, तो वो दो फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी रख लीजिएगा साथ में और आईडी कार्ड भी रख लीजिएगा। ये सब आपको कोई बताएगा नहीं, ये सब आपको एक्सपीरियंस वाली चीज में बता रहा हूँ ताकि आपको परेशान होना ना पड़े एग्जाम सेंटर्स में जाके, क्योंकि इस बार बहुत ही सख्ती आपको देखना पड़ेगा वहां पे, आपको बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी। देखिएगा कितनी वहाँ पे स्ट्रिक्ट आपकी बार बढ़ता जाएगा यूपी बोर्ड के एग्जाम 2018 को लेके। एक और बात है कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड है कि बहुतों प्राइवेट स्टूडेंट की बहुत ही कमेंट्स हैं कि सर मेरा एडमिट कार्ड अभी तक मिला नहीं है, मुझे कैसे मिलेगा, अभी तक लिंक आई नहीं है। एक तो यूपी बोर्ड की मैं बात करूं कि काफ़ी दिन पहले से स्टार्ट हो गए न्यूज़ आना कि ऑनलाइन भी दिया जाएगा एडमिट कार्ड, ऑफलाइन भी दिया जाएगा एडमिट कार्ड। आपको मैं जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होती थी उसको भी मैंने निकाल के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब ऑनलाइन मिलेगा यूपी बोर्ड के प्रवेश पत्र, हर जगह न्यूज़ पे ऑनलाइन मिलेगा 25 से मिलेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रवेश पत्र। तो अभी तक लिंक एक्टिवेट ही नहीं है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में, आप समझ लीजिए लिंक एक्टिवेट नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके। आप जो अगर प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो आप इनके रीजनल जो बोर्ड ऑफिस का सेंटर है वहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए, इनके ऑफिशियल वेबसाइट से एड्रेस निकालिए, वहाँ से मिल जाएगा। और जो रेगुलर स्टूडेंट है वो एडमिट कार्ड उनको स्कूल से ही मिलेगा, 25 जनवरी को अपलोड कर दिया गया था नेट से, आप वहाँ से अपने स्कूल से एडमिट कार्ड ले लीजिए। हार्ड कॉपी भी आपके स्कूल में भेज दी गई है, रेगुलर स्टूडेंट की बात मैं कर रहा हूँ, वो वहाँ से ले लें। प्राइवेट स्टूडेंट को जिनको नहीं मिला है उनके लिए आप पहले अपने कॉन्टैक्ट कीजिए वहाँ से, ये अभी तक एडमिट कार्ड, सर प्राइवेट स्टूडेंट हूँ मैं, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं मिला, मैं कहाँ से मिलेगा मुझे एडमिट कार्ड। दूसरी बात प्राइवेट स्टूडेंट के लिए कि आप, मैंने इससे पहले अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई थी कि 83,753 स्टूडेंट जो क्लास 10th क्लास 12th के हैं यूपी बोर्ड के हैं उनको डिवाइड कर दिया गया, उनके एडमिट कार्ड में रोक लगा दी गई है प्राइवेट स्टूडेंट। तो जो प्राइवेट स्टूडेंट अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो समझ लें कि प्राइवेट स्टूडेंट अपने चेक करें कि 83,753 स्टूडेंट को जिनको डिवाइड किया गया है कहीं आप उसमें से एक तो नहीं है, ये आपका एडमिट कार्ड रुका हुआ है। इसलिए तुरंत अपना रीजनल हेड ऑफिस जो बोर्ड ऑफिस का कार्यालय है वहां पे संपर्क करें। आपको जो मैं न्यूज दिखा देता हूँ इसमें भी 83,753 जो स्टूडेंट है जिनको डिवाइड किया गया है वो कहाँ कहाँ से हैं, ये सब प्राइवेट स्टूडेंट की बात मैं कर रहा हूँ जो 83,753 है। बनारस के जो है हाई स्कूल के 25,159 स्टूडेंट हाई स्कूल के हैं, इंटर के 16,304 स्टूडेंट हैं जिनको डिवाइड कर दिया गया है। इन क्षेत्रीय कार्यालयों में हाई स्कूल और इंटर में इतने निकले फर्जी, इलाहाबाद के 7,203 हैं हाई स्कूल के और इंटर के 4,578 हैं, मेरठ के 9,649 हैं और 8,695
इंटरमीडिएट के हैं, बरेली के 110 हैं, इंटर के 226 है, गोरखपुर के 7263 हाई स्कूल के हैं, इंटर के 4566 हैं। तो आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड के 2018 एग्जाम्स में अपेयर होने वाले हैं, तो एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है भैया, करना क्या आपको, रीजनल जो बोर्ड ऑफिस का सेंटर है कार्यालय उसमें जाके कांटेक्ट कीजिए उनसे कि मेरा एडमिट कार्ड आया नहीं है। एग्जाम्स को कितने दिन बचे हैं, आज 3 फरवरी हो गई है, ठीक है, कल 4 संडे, संडे के दिन ऑफिस बंद रहता है, बचा आपके पास 5 तारीख मंडे, 6 तारीख मंगल, एग्जाम्स स्टार्ट आपके, एडमिट कार्ड आया नहीं हाथ में, ठीक है। तो आप इसको अपना कांटेक्ट कीजिए जल्द से जल्द, अगर आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।